नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत, BTS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTS न्यूज और इस समय हम खड़े हैं बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय में और तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की का मतदान यहाँ आरम्भ है और आज उसका दूसरा दिन है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जनसमूह मतलब आया हुआ है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने समर्थकों के साथ भारी भीड़ के साथ यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। हाँ सर, ये आपकी पत्नी है? हाँ सर, पंचायत समिति सदस्य से आप वर्तमान पंचायत समिति भी हैं सर, अपने पंचायत के मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जी, कहिए। 15 साल से जनता के साथ हैं और हमारे साथ है जनता जी। जी कहिए कहिए। 15 साल से जनता के साथ है और साथ हमारे साथ है जनता। कोई चीज का जो है जनता से कोई टूटी उटी नहीं है और जनता के साथ रहे हैं और सब दिन रहता रहूंगा। चलिए, जनता का आशीर्वाद पुनः प्राप्त करना चाहेंगे जी। बिल्कुल पुनः चाहते हैं और जनता भी चाह रहा है जी, जनता भी चाह रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस बार आपका मतलब मुख्य मुद्दा है कुछ पंचायत चुनाव में? मुख्य मुद्दा भी है, जनता के साथ जो भी समस्या होगा उसके साथ हम आगे रहेंगे। चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? मतदाता को जहाँ भी कठिनाई होगी, कोई भी दिक्कत होगी, उसके साथ रहेंगे और रहता हूँ और सब दिन रहूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। चलो 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 चलो। क्या नाम है आपका? ममता देवी। किस पंचायत से और किस पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं? गम्हरिया पंचायत से समिति पद के लिए। और अपने जनता जनार्दन को कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वर्तमान पंचायत समिति सदस्य भी हैं जी। हाँ। तो आप अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ बताएंगे? 5 साल के बारे में तो हम अपना कोशिश किए हैं जनता को खुश रखने के लिए जी। जी, और कुछ अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत के वासियों से? उम्मीद है जो हमारे पंचायत सब हमने ऊपर खुश रखेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहेंगे। जी हाँ, जनता आशीर्वाद। 5 साल जो आपने कार्य किया है उसी के एवज में अब दोबारा मतलब आपको जनता का आशीर्वाद चाहिए? जी हाँ। चलिए धन्यवाद आपका। अन्य कोई माला ले दीजिएगा, एक मिनट के लिए। हाँ सर, अपना नाम बताइए। संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह सर जी, कौन सा पोस्ट नॉमिनेशन दिया? क्या मुद्दा है इस बार आपका? विकास 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 तो बहुत होता है कि विकास में क्या क्या चीज़ है? अरे हम लोग सुनिए, हम लोग हमारे पंचायत के लोग आप सर हम नहीं पूछ रहे हैं, मुखिया जी बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे पंचायत के लोग अपने पंचायत को विकास के में बनारस बनाना चाहते हैं। जो एजुकेशन माहौल खत्म हो गया था उसको ये जो है ना मदन मोहन मालवीय के तरह जो उसको विकास के तरह जो है हम लोग पढ़ाएंगे और सारे लोगों का सहयोग होगा। पूरे गणिकाए और सारे दलित लोग। अपना अनिल कुमार सिंह। सर, किस पंचायत से और किस पद के लिए नामांकन किए हैं? गम्हरिया ग्राम कचहरी के सरपंच जी। सरपंच का काम होता है न्याय प्रणाली को दुरुस्त करना जी। आप क्या कदम उठाएंगे सर? जनता अगर मौका देगा तो जहां तक होगा हर संभव प्रयास, जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और सर, आम जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? संदेश यही कहेंगे जो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए, और क्या कहेंगे। और सर, आपने अभी नामांकन किया है लेकिन आपने अपने गले में कोई हार नहीं डाला है? इन्हें अभी नहीं, जनता जब आशीर्वाद देगा उसके बाद जो है माला लेंगे। चलिए, जनता के आशीर्वाद जब आप जीत के आएंगे उस समय आप माला जनता के हाथ से लेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।
और किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन दिए हैं? डमरिया पंचायत से वार्ड नंबर एक से वार्ड सदस्य डमरिया पंचायत वार्ड नंबर एक से। क्या है मन में, मतलब पंचायत के लिए, मतलब वार्ड के लिए, एक नंबर के लिए क्या करना चाहेंगे आप? जो करना है जनता के लिए करेंगे, बात जनता के सेवा करेंगे, विकास आएगा, फंड आएगा, विकास करेंगे, विकास करेंगे। और कोई संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों को? सभी जनता का सहयोग से मैं खड़ा हूँ। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए जी, हाँ। तो जनता से वही अपील, सब जनता है मेरे साथ में, दीदी भी है। चलिए ठीक है, ये दीदी भी है आपके साथ में। क्या नाम है आपका? रीना देवी। रीना देवी, चलिए इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आदमी सही है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रवीण प्रभाकर। अरविंद प्रभाकर। प्रवीण प्रभाकर। प्रवीण प्रभाकर। और सर किस पंचायत से नामांकन दिया और किस पद के लिए दिया है? पंचायत से मुखिया पद के लिए जी। चिकनी पंचायत मुखिया पद के लिए। चिकनी पंचायत से मुखिया पद के लिए। सर हमारे चैनल के माध्यम से अपने, मतलब पंचायत के मतदाताओं से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी, कहिए। मैं मुखिया इसलिए बनना चाहता हूँ जी, पंचायत का स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो संकल्प लिया है कि अभी तक जो पंचायत में, मेरे चिकनी पंचायत में नहीं हुआ है, मैं वो करके दिखाऊंगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अब जो मानसा है पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद पब्लिक से बात। सपोज सर अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सर प्राथमिकता होगी सबसे पहले जितने भी आदरणीय महान भाव है चिकनी पंचायत के, मेरे माता पिता के तुल आदरणीय है, उसके बाद दोस्तगण है, साथीगण है, सबसे मेरा अपना जो है अभिभावना को व्यक्त करना, ठीक है, उनके साथ अपना संपर्क बनाना, जुड़ाव करना, प्यार और साथ में सबसे बड़ी अहम भूमिका होगी मेरी पहली, कि उनको आदर्श आदरणीय करना, उनका मान सम्मान करना। उसके बाद जो है चिकनी पंचायत का जो जमीन पर मैं उतरूंगा उसका अपने ईमानदारी पूर्वक उसका पूर्ण रूपेण विकास कर जी। धन्यवाद। और सर अपना नाम कौन सा पद से? सरपंच। सर नॉमिनेशन दे के निकले हैं, क्या सब कामना देंगे पंचायत वाले? गांव में सस्ता न्याय हो, सुलभ न्याय हो और सही काम हो। सरपंच का काम होता है कि पंचायत में जो भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, पंचायत में हल करने के लिए, बाकी उसको थाना के लिए ही भेजने के लिए। आप किस तरह का काम कीजिएगा पंचायत में? ग्राम कचहरी से कोई भी मामला थाना तक नहीं आएगा, पहले भी से नहीं आया, वर्तमान में भी किया, इससे पहले 2011-16 और 16 के बीच में थे। सर आप अपने गांव की जनता को, जो मतदाता है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, अच्छा कार्य करते रहे जनता, कोई विवाद साथ नहीं हो, और यही कामना करेंगे जनता। जनता का समर्थन चाहेंगे? जनता का समर्थन तो चाहिए, जनता भगवान है जी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव, किस पद से और किस पंचायत से, मतलब नॉमिनेशन जारी? पंचायत वार्ड नंबर 2 से। हाँ, वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन किए हैं। इससे पहले भी रहे हैं वार्ड सदस्य? नहीं रहे हैं। क्या लक्ष्य लेके पंचायत चुनाव में आए हैं? समाज में जो विकृति पैदा हो रही है जी, समाज में जो कुव्यवस्था है जी, उनको सही सलामत और सही रास्ते पे लाने के लिए हम अपना वचन बद्ध है और वार्ड सदस्य पद के लिए सर। अपनी जनता जनार्दन जो भी आपके वार्ड के हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील किए हैं, जो हम करेंगे जात धर्म, जात और मजहब की मतलब है जो नारा देंगे हमें, है कि हर आदमी हर पब्लिक का विकास के लिए हमें जो है अपना जो क्रमबद्ध है हमारा जो ये है हम करते रहेंगे।
चलिए धन्यवाद। कोरियार तरावे पंचायत से वार्ड नंबर 7 सदस्य के पद पे, वार्ड सदस्य के 7 नंबर पे अपने वार्ड के जनताओं को मतदाताओं को कुछ कहना चाहेंगे सर? जनता सब कुछ जनते सर्वोपरि जी। अगर आपको मौका दिया गया तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी सर? पहली पहले काम किए हैं उसका फिर करते रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम शिव शंकर कुमार हुआ जी, और यार तरावे पंचायत समिति। BTS न्यूज़ से मैं मोहम्मद आलम, गम्हरिया, मधेपुरा। जय हिंद। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मीडिया टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए BTS न्यूज़। जय हिंद।